हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन मैथ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मनी, लेसन फाइव मनी, चैप्टर फाइव मनी। मनी मीन्स पैसा। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। तो आज हम पैसे के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लुक, जो पैसा होता है, जैसे कि इंडियन जो रुपीज है, पैसे हैं, दो टू टाइप के होते हैं पैसे। एक कॉइन होते हैं और एक करेंसी नोट होते हैं। पैसे जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, करेंसी होते हैं और कॉइन होते हैं। तो उसी बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम पैसे से क्या करते हैं, पैसा क्या है? पैसा है विनिमय का माध्यम। पैसा क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी कि कोई भी वस्तु को अगर हमें लेना है, हम किसी भी वस्तु को चाहते हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी नीड होता है, तो हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की। किसकी? पैसे की। तो पैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। जो मनी है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मनी हमारे लिए क्या है? हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ल्ड में, संसार में बिना मनी के कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो भी हमारी नीड है, जो भी आवश्यकताएँ हैं, उसको पूरा किसके द्वारा किया जाता है? मनी के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में कोई भी सामान बिक रहा है, खाने वाला बिक रहा है, जैसे कुछ फ्रूट्स हमको लेना है, बनाना लेना है, खाना है, हमारा मन कर दिया बनाना खाने का या एप्पल खाने का, तो हम उस बनाने को या एप्पल को कैसे उस दुकानदार से, शॉपकीपर से कैसे ले सकते हैं? अगर हमारे पास मनी है तो, अगर हमारे पास मनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उस शॉपकीपर से बनाना, एप्पल, मैंगो, कोई भी फ्रूट क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट खरीद सकते हैं। और अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, हम कुछ किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। मनी मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज जो भी काम कोई भी पर्सन जो भी वर्क करता है, वो सिर्फ किसके लिए करता है? ज़्यादातर मनी प्राप्त करने के लिए, मनी पाने के लिए ही वो कोई भी व्यक्ति काम करता है। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मनी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो भी नीड है, ज़रूरतें हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो हर देश की, हर कंट्री की अलग अलग मनी का जो मुद्रा होता है, जिसे मुद्रा कहते हैं, वो हर देश का अलग अलग होता है। इंडिया में हम रुपीज कहते हैं, तो हर देश में अलग अलग नामों से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं मनी के बारे में। वी बाई थिंग्स विथ मनी। वी मीन्स हम, बाई मीन्स खरीदते हैं थिंग्स, वस्तुओं को, विथ द्वार साथ मनी, पैसे से। यानी कि हम वस्तुओं को खरीदते हैं किससे? पैसे से। मैंने पहले ही बताया, कोई भी हमारे लिए नीड जो भी थिंग्स है, उसको हम किससे परचेस करते हैं, किससे बाई करते हैं? मनी से। तो हम पैसे से वस्तुओं को खरीदते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे चाहे खाने वाली वस्तु हो गया, खाने वाली थिंग्स हो जाए, या पहनने वाले कपड़े क्लोथ्स हो जाए, या बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, कार, कोई भी शूज, कोई भी चीज़ हो, पेन ही हो गया, बुक ही हो गया, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसे हमें बाई करना है, परचेस करना है, खरीदना है, तो हमें किसकी नीड होगी? मनी की। तो वी बाई थिंग्स विथ मनी। हम वस्तुओं को किससे खरीदते हैं? मनी से, पैसे से खरीदते हैं। मनी इज मेड अप ऑफ क्वाइन एंड करेंसी नोट। मनी मीन्स पैसा इज मेड, बना होता है। अब किसके, किससे? क्वाइन से। क्वाइंस मीन्स सिक्के, एंड करेंसी नोट, और जो कागज के नोट होते हैं उससे। तो जो पैसा बना होता है वो किसका बना होता है? हम देखते हैं ना, हमारे पास भी पैसा होता है, तो हमारे पास जो पैसे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्वाइन का पैसा होता है, क्वाइन का, यानी कि सिक्के का बना होता है, और एक नोट का, करेंसी नोट। तो दो प्रकार के आपके पास भी नोट होंगे, आपके पास भी क्वाइन होंगे। क्वाइन किसके किसके होते हैं? इस टाइम पे आप क्वाइन देखें, 50 पैसे, 25 पैसे के क्वाइन होते हैं। 50 पैसे जो अभी समय हमारे मार्केट में तो चलता नहीं है, लेकिन 1 के क्वाइन हो जाएंगे, 2 के क्वाइन हो जाएंगे, 5 के क्वाइन, 10 के क्वाइन, ये सब क्वाइन होते हैं। तो जो मनी होता है वो किसका बना होता है? क्वाइन का। और
करेंसी नोट का, नोट का भी आप भी नोट भी देखते होंगे, 1 के नोट, 2 के नोट, 5 के नोट, फिर 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट भी होते थे, 2000 के नोट, तो ये सब नोट होते हैं। तो जो मनी होता है वो किसका बना होता है? क्वाइन का, सिक्कों का और करेंसी नोट का, और नोट से कागज से बने होते हैं। क्वाइन आर मेड अप ऑफ मेटल, क्वाइंस मीन सिक्के आर मेड, बने होते हैं अप ऑफ मेटल्स, किसके? मेटल में धातुओं से। क्वाइन किसके बने होते हैं? धातुओं से, यानी कि सिक्के जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? धातुओं से बने होते हैं। करेंसी नोट्स आर मेड अप ऑफ पेपर, अब जो करेंसी नोट होता है वो किसका बना होता है? पेपर का, कागज का। मैंने पहले ही बताया ना कि जो सिक्के होते हैं, क्वाइन होते हैं, वो किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। और जो करेंसी नोट होता है, नोट जो होता है वो किसका बना होता है? पेपर का, यानी कि कागज का नोट बना होता है। तो ये मनी जो होता है दो प्रकार के होते हैं, दो चीजों के बने होते हैं, एक मेटल के धातुओं से और एक कागज से। अब मेटल धातुओं का मतलब धातु में बहुत सारे धातु होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु होते हैं, जस्ता, टीना। तो जो क्वाइन है उसमें ये क्वाइन जो होता है वो धातुओं का बना होता है। नाउ लुक हियर, ये क्वाइन है इसका 25 पैसे क्वाइन, ये जो क्वाइन है वो कितने पैसे का है? 25 पैसे, कितने पैसे का? 25 पैसे। ये जो नेक्स्ट क्वाइन है ये कितने का है? 50 पैसे, यहाँ पे राइट किया गया ना 50, ये जो क्वाइन है वो 50 पैसे का क्वाइन है। लुक हियर नेक्स्ट, 100 पैसे क्वाइन आर 1 रुपीज क्वाइन, ये जो क्वाइन है ये 1 रुपीज, इसे को क्या क्या कहते हैं? 1 रुपीज। और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये 1 रुपीज का क्वाइन है। नेक्स्ट लुक हियर, नेक्स्ट, दिस इज क्वाइन ऑफ 200 पैसे आर 2 रुपीज क्वाइन, ये जो क्वाइन है सिक्का है वो कितने रुपए का है? 2 रुपीज, कितने रुपए? लुक हियर, 2 राइट किया गया ना, ये जो क्वाइन है सिक्का है वो कितने रुपए का है? 2 रुपए का है, 2 रुपीज का है, और 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 200 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे, 2 रुपीज में 200 पैसे। तो अगर हमें ये सॉल्व करना हो कि 5 रुपीज में कितने पैसे, तो हम 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें आंसर मालूम चल जाएगा कि 5 रुपीज में कितने क्वाइन, 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज, दिस इज क्वाइन ऑफ 5 रुपीज, लुक हियर, यहाँ पे राइट किया गया ना 5 रुपीज। तो 5 रुपीज में कितने पैसे? हाउ मेनी पैसे? 500 पैसे। 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 500 पैसे क्वाइन। तो इसी को 500 पैसे क्वाइन आर 5 रुपीज क्वाइन कहते हैं, यानी कि ये क्वाइन जो है 5 रुपीज का है। तो 5 रुपीज में कितने क्वाइन होते हैं? 5 रुपीज में 500 क्वाइन होते हैं। एक बार और देखिए, ये 25 पैसेज है, ये क्वाइन किसका है? 25 पैसेज का क्वाइन है, ये 50 पैसे का क्वाइन है, ये 1 रुपीज क्वाइन है, इसको क्या कहते हैं? 1 रुपीज। और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे। ये 2 रुपीज का क्वाइन है, 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 200 पैसे। 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 2 रुपीज क्वाइन में कितने पैसे होते हैं? 200 पैसे। ये क्वाइन है 5 रुपीज का, 5 रुपीज में कितने क्वाइन होते हैं? 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 500 पैसे होते हैं। तो ये कुछ क्वाइन थे जो आपने समझा देखा। लुक, 25 पैसे क्वाइन जो है इसका मतलब ये है कि 25 पैसे के अगर 4 क्वाइन हो तो वह किसके बराबर हो जाएगा? 1 रुपीज के बराबर, या 1 रुपीज हो जाएगा। अगर ये 25 जो पैसे का क्वाइन है, इसी टाइप का 4 क्वाइन हमारे पास हो जाए, 25 पैसे का 4 क्वाइन हो जाए, तो वो कितना हो जाएगा? 1 रुपीज हो जाएगा। इसको हम अगर ऐड कर देते हैं, 25 + 25 + 25 + 25 = 100 पैसे हो जाएगा ना। तो 100 पैसे में 1 रुपीज होता है, या 25 पैसे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें
100 पैसे हमारे पास हो जाएगा, तो मतलब ये कि 25 पैसे का अगर हमारे पास चार क्वाइन हो तो वह ये 1 रुपीज हो जाएगा। लाइक दिस, अगर ये 50 पैसे है तो 50 पैसे का अगर हम अगर हमारे पास टू क्वाइन हो जाए, 50 पैसे का टू क्वाइन हो जाए तो वह 1 रुपीज हो जाएगा, 1 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो 50 या हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 + 50 = 100, यानी मतलब कि 50 पैसे का टू क्वाइन हो जाए तो वो कितना हो जाएगा, 100 पैसे यानी कि 1 रुपीज हो जाएगा, या 50 × 2, 50 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 पैसे, 50 पैसे में मतलब कि ये 50 पैसा है, अगर एक और 50 पैसे का क्वाइन आ जाए तो दो क्वाइन हो जाएंगे ना, तो 100 पैसे हो जाएगा, 50 पैसे ये, 50 पैसे ये, 100 पैसे, तो वह 1 रुपीज के बराबर हो जाएगा। यानी कि 25 पैसे का 4 क्वाइन 1 रुपीज हो जाएगा और 50 पैसे का 2 क्वाइन 1 रुपीज हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 50, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे का अगर हमें 25 पैसे वाला क्वाइन अगर हमें 1 रुपीज चाहिए तो 4 क्वाइन होना चाहिए। इसी तरह से ये जो 2 रुपीज है, जो 1 रुपीज के 2 क्वाइन हो जाए तो वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 रुपीज के बराबर हो जाएंगे, और 1 रुपीज के 5 क्वाइन हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 5 रुपीज के बराबर हो जाएंगे। लुक हियर, 25 पैसे इज राइटन एज 25p, 25 पैसे इज राइटन को हम लिख सकते हैं, लिखा गया है एज राइटन 25p, यानी कि हम 25 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, 25p। तो अगर हम 25p लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि 25 पैसे हैं। 50 पैसे ये राइटन है 50p, 50 पैसे को लिखा गया है कैसे, 50p, यानी कि हम इसको 50p भी लिख सकते हैं। 50 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 50p, यानी कि 50p भी राइट कर सकते हैं। 100 पैसे आर 1 रुपीज इज राइटन एज 100p आर रुपीज 1। 100 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा गया है, 100p, 100 पैसे को हम 100p भी लिख सकते हैं, और 1 रुपीज को 60 में, ये क्या है, 60 फॉर्म है कि 1 रुपीज को अगर हमको 60 में लिखना, तो RE1, इसका मतलब RE1 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपीज, और 100 पैसे को 100p भी हम राइट कर सकते हैं। 200 पैसे को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 200p, 200 पैसे को 200p राइट कर सकते हैं, और 2 रुपीज को हम रुपीज RE2 लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, RS2 राइट कर सकते हैं। 500 पैसे को हम 500p राइट कर सकते हैं, और 5 रुपीज को RS5 राइट कर सकते हैं, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे RS रहेगा, RS 5, RS 1, RS 2 हम राइट कर सकते हैं। तो वो सब क्या थे, क्वाइन थे, आपने क्वाइन देखा 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का एंड 5 रुपीज का। नाउ करेंसी नोट, ये करेंसी नोट है, ये किसका बना होता है, पेपर का, कागज का, जो करेंसी नोट होता है किसका बना होता है, कागज का बना होता है। ये किसका कितना रुपीज है, 1 रुपी नोट, ये किसका नोट है, 1 रुपीज है, ये कितना है, 1 रुपीज। आपने देखा होगा, 1 रुपीज का नोट, आप उससे सामान भी, थिंग्स भी परचेस किए होंगे, बाय किए होंगे, खरीदे होंगे, तो ये क्या है, 1 रुपीज का नोट है। ये 2 रुपीज नोट, ये कितने का नोट है, 2 रुपीज है, ये कितना है, 2 रुपीज। लुक हियर, 2 रुपीज नोट RS2, ये कितना है, 2 रुपीज नोट, आप इसको भी देख चुके होंगे। नाउ 5 रुपीज नोट, ये कितने का नोट है, 5 रुपीज का नोट है। 10 रुपीज नोट, ये कितने का नोट है, 10 रुपीज का नोट है, आपने इसको भी देखा होगा, आपके पास भी होगा 10 रुपीज का नोट, तो ये कितने का नोट है, 10 रुपीज का नोट है। ये कितने का नोट है, 20 रुपीज नोट, ये कितने का नोट है, 20। लुक हियर, यहाँ पे राइट दिया गया 20, इसका मतलब ये है कि ये 20 रुपीज का नोट है, जो किसका बना होता है, ये भी पेपर का ही बना होता है, सभी नोट जो करेंसी नोट होते हैं वो किसके बने होते हैं, पेपर के, कागज के, तो ये है 20 रुपीज का नोट। ये कितने का नोट है, लुक हियर, क्या राइट किया गया, 50, तो ये जो है 50 रुपीज का नोट है, कितने का नोट है, 50 रुपीज का नोट है। ये देखिए आगे, ये 100,
यहाँ पे 100 राइट किया गया है ना, तो ये जो नोट है वो 100 रुपीज है। कितना? 100 रुपीज का नोट है। यहाँ पे देखिए 500, ये कितने का नोट है, कितने रुपीज का? 500 रुपीज का ये नोट है। और ये 1000 मीन्स 1000 रुपए। ये जो नोट है वो कितने का है? 1000 रुपए का नोट है। इसके अलावा 2000 नोट भी होता है, 2000 का नोट भी होता है, आपने उसको भी देखा होगा, आप अपने घर पे इन नोटों को देख चुके होंगे। आई होप आपको ये नोट आप देख चुके होंगे और आपको ये नोट के बारे में समझ में आएगा। ये सब ये 20 का है नोट है, ये 50 का नोट है, यानी कि 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, ये सब नोट हैं। तो आपको नोट और क्वाइन के बारे में समझ में आया होगा। आप घर में ही अपने क्वाइन और नोट को रोज देखते होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि कितने का नोट, कितने रुपए का नोट होता है, नोट का मतलब कितने कितने रुपए का नोट के होते हैं, और सिक्के भी कितने के होते हैं, तो आपको मालूम होगा। तो आज मैंने आपको इसी के बारे में समझाया, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।